बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। क्या आपने कभी सोचा है कि इश्क और रूहानियत का असली मतलब क्या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक ऐसा नाम है जिसने न केवल अपने ज़माने में बल्कि आज भी इंसानियत के दिलों में मोहब्बत का जज्बा भर दिया है। उनका कलाम, जो रूहानी सफ़र की अनमोल दास्तान है, आज भी हमारे दिलों को छूता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत सफ़र पर जहां रूमी ने खुदा की मोहब्बत की खोज की और शम्स तबरेज के साथ मिलकर एक नई रूहानी दुनिया की नींव रखी। क्या आप तैयार हैं उस इश्क हकीकी की गहराइयों में गोताखोरी करने के लिए? आइए इस रूहानी सफ़र में शामिल हों और जाने कैसे मौलाना रूमी ने दुनिया को मोहब्बत और इंसानियत का वो पैगाम दिया जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर यार ज़रूर करें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी एक रूहानी सफ़र की अलामत है जो इश्क ए हकीकी, सच्चे इश्क और अल्लाह से जुड़े हुए इश्क की बेहतरीन मिसाल है। रूमी का जन्म 30 सितंबर 1207 को मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके बल्ख में हुआ था। उनका असल नाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल बल्खी। उनके वालिद बहाउद्दीन वल्द एक मारूफ आलिम थे जिनकी तालीमात का रूमी की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। रूमी की इब्तिदाई ज़िंदगी में ही इल्म और दीनी तालीम का नूर शामिल हो चुका था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से हुई। शम्स तबरेज की सोहबत ने रूमी को इश्क ए हकीकी और रूहानी मोहब्बत के गहरे राजों में उतारा, जिसके बाद रूमी ने अपनी तमाम तवज्जो मारिफत ए इलाही की जानिब मरकूज़ की। रूमी का सबसे बड़ा अदबी विरसा उनकी तसनीफ़ मसनवी ए मौलवी है, जिसे सूफ़ी अदब में एक अजीम तसनीफ़ समझा जाता है। इस मसनवी में रूमी ने रूहानी सफ़र, इश्क और अल्लाह की मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को शायरी की सूरत में बयान किया है। ये मसनवी महज एक किताब नहीं बल्कि एक रूहानी का ख़जाना है जो इंसानियत को अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना होने का पैगाम देता है। रूमी का पैगाम मोहब्बत, इंसानियत और इखलास का है। उनका मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की तलाश और उसकी कुर्बत हासिल करना है। उनकी शायरी ने दुनिया भर के लोगों को दीन और रूहानियत के अमीक समंदरों में डूबने की दावत दी है। आज भी उनके अशार और तालीमात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों के दिलों को रोशनी फराहम करते हैं और अल्लाह के कुर्बत की जानिब रहनुमाई करते हैं। जब रूमी 13 साल के थे तो मंगोल हमलों की वजह से उनका ख़ानदान बल्ख छोड़कर हिजरत कर गया। उनके सफ़र के दौरान उन्होंने कई मुक़द्दस और इल्मी शख्सियतों से मुलाकात की। आखिरकार उनका ख़ानदान मौजूदा तुर्की के शहर कोन्या में आबाद हो गया, जहां उन्होंने अपनी इल्मी और रूहानी तालीमात का सिलसिला शुरू किया। रूमी की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात सूफ़ी दरवेश हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से हुई। ये मुलाकात किसी आम मुलाकात की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे इनकलाब की शुरुआत थी जिसने रूमी की रूह को रोशन कर दिया। शम्स तबरेज एक ऐसे दरवेश थे जो इल्म के गहरे समंदर में डूबे हुए थे और उनका मकसद सिर्फ बाहरी इल्म नहीं बल्कि रूहानी इश्क का इजहार था। जब हज़रत शम्स तबरेज रूमी से पहली बार मिले तो उन्होंने एक सीधा और सादा सवाल किया, ए रूमी, क्या तुम अपने तमाम इल्म से अल्लाह का इरफान पा चुके हो? यह सवाल रूमी के लिए एक नई सोच का दरवाज़ा खोल गया। रूमी का बाहरी इल्म जितना भी गहरा था, उन्होंने महसूस किया कि रूहानी इश्क और अल्लाह की मोहब्बत की गहराई अभी भी बाकी थी। शम्स तबरेज की सोहबत में रूमी ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया। बाहरी इल्म से रूहानी इल्म की तरफ मुद्दाते हुए उन्होंने महसूस किया कि शम्स तबरेज के इश्क और उनके अनोखे अंदाज ने उन्हें रूहानी इश्क की गहराई में उतार दिया। रूमी का दिल इस तरह से जल उठा कि वह अपने शेख शम्स के साथ हर वक्त गुजारना चाहते थे। उन्होंने हर वो तालीम छोड़ी जो उन्हें खुदा के करीब ना ले जाती थी और हर उस शख्स से किनारा किया जो उन्हें रूहानी सफ़र में रुकावट बनता। शम्स तबरेज और रूमी के दरमियान एक ऐसा रूहानी रिश्ता कायम हुआ जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। रूमी ने अपनी तमाम जिंदगी को उस रूहानी इश्क के इजहार में लगा दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और शम्स तबरेज की मोहब्बत उनके दिल में इस कदर बसी कि उनके जाने के बाद भी रूमी का हर शेर, हर मिसरा शम्स तबरेज की याद से सराबोर है। शम्स तबरेज ने रूमी को बाहरी दुनिया से काटकर रूह की गहराइयों में लाकर खड्डा कर दिया, जहां सिर्फ इश्क ए इलाही था, मोहब्बत का समंदर था और खुदा की रजा थी। रूमी के लिए शम्स तबरेज सिर्फ एक उस्ताद या दरवेश नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा थे, जिन्होंने उनके दिल को रोशन किया और उन्हें इश्क ए हकीकी की रोशनी दिखाई। यही वजह थी कि जब शम्स तबरेज एक रोज़ अचानक रूमी की ज़िंदगी से चले गए तो रूमी का दिल तड़प उठा और उन्होंने अपनी मसनवी में शम्स तबरेज की मोहब्बत और उनके इश्क का अक्स बयान किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत शम्स तबरेज के बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़र में ऐसा जज्बा था जो किसी के दिल में इश्क का अलाव जला दे। वो न सिर्फ इल्म रखते थे बल्कि उस इल्म की हकीकत तक भी पहुंच चुके थे। उनका अंदाज जुदा था और उनकी सोहबत में आते ही लोग अपने बाहरी लिबास और ज़ाहिरी इल्म को भूल जाते और रूह की गहराइयों में उतर जाते थे। जब हज़रत शम्स ने रूमी से सवाल किया, क्या तुम अपने तमाम इल्म से अल्लाह का इरफान पा चुके हो, तो ये सवाल रूमी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत साबित हुआ। शम्स तबरेज ने रूमी के अंदर मौजूद ज़ाहिरी इल्म और दुनियावी फ़नून को इरफान ए इलाही में बदल दिया। उनकी मोहब्बत ने रूमी को इस कदर मुतासिर किया कि रूमी ने अपना सब कुछ शम्स के आगे कुर्बान कर दिया और उन्हें अपनी रूह का हिस्सा बना लिया। हज़रत शम्स तबरेज के साथ गुजारे हुए हर लम्हे ने रूमी की शख्सियत को तराशा और उनकी ज़िंदगी को इश्क ए हकीकी की राह पर डाल दिया। शम्स तबरेज की सोहबत में रूमी ने इश्क़ की वो गहराइयाँ देखीं जो उन्हें इस दुनिया से रूहानियत की दुनिया तक ले गई। शम्स की मोहब्बत रूमी के दिल में यूं बसी कि वो अपने हर शेर, हर लफ्ज़ में शम्स का जिक्र करने लगे। शम्स तबरेज के इल्म और इश्क ने रूमी को एक ऐसे शायर और सूफ़ी में तब्दील कर दिया जिसका हर शेर एक रूहानी पैगाम और मोहब्बत की मिसाल है। हज़रत शम्स तबरेज सिर्फ रूमी के उस्ताद नहीं थे बल्कि उनके रूहानी रहनुमा थे। उन्होंने रूमी की आंखों को उस हकीकत के दीदार की तौफीक बख्शी जो बाहरी इल्म से परे है। उनकी शख्सियत रोशन चिराग की तरह थी जिसने रूमी के दिल को मोहब्बत और इश्क के नूर से रोशन कर दिया। हज़रत शम्स तबरेज का सफ़र बचपन से ही एक अलग रास्ते पर था। वो आम लोगों की तरह दुनिया में दिलचस्पी नहीं रखते थे बल्कि उन्होंने छोटी उम्र में ही दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लिया था। अपने वजूद में हमेशा एक बेचैनी और इश्क की आग महसूस करते हुए उन्होंने अल्लाह की तलाश में लंबे सफ़र तय किए। उनकी फितरत ही कुछ ऐसी थी कि वो सिर्फ बाहरी तालीम और ज़ाहिरी इल्म से मुतमिन नहीं होते थे। उन्हें असल तसल्ली उस इरफानी सफ़र में मिलती थी जो इंसान को रूहानी इश्क की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। शम्स तबरेज की शख्सियत नहायत ही अजीब और रहस्यमयी थी। वो अपने वक्त के औलिया और सूफियों में एक अलग मुकाम रखते थे। उनकी बातों और हरकतों में एक रूहानी ताकत और गहराई थी। उनका अंदाज हर आम आदमी से अलग था। उन्होंने कभी भी दुनियावी शोहरत और नाम व निशान की चाह नहीं की बल्कि वो हमेशा तन्हाई में अल्लाह की याद और इश्क की गहराइयों में डूबे रहते थे। उनकी नज़रें इस कदर गहरी थीं कि देखने वाले को अपनी हकीकत में झांकने पर मजबूर कर देती थी। हज़रत शम्स तबरेज का मकसद एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनकी रूहानी हकीकतों को समझ सके। उन्होंने कई शहरों का सफ़र किया और आखिरकार कोन्या पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हुई। ये मुलाकात एक अजीब तजुर्बा थी क्योंकि रूमी एक बड्ढे आलिम थे जबकि शम्स तबरेज एक फ़कीर और दरवेश। लेकिन इस मुलाकात में शम्स ने रूमी से एक सवाल किया जो रूमी की ज़िंदगी को बदल देने वाला साबित हुआ। क्या तुम अपने इल्म के ज़रिए खुदा का इरफान पा चुके हो? इस सवाल ने रूमी को हिलाकर रख दिया और उनके अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश शुरू हुई। शम्स तबरेज और रूमी के दरमियान जो रूहानी ताल्लुक़ कायम हुआ उसने रूमी की शख्सियत को एक नई पहचान दी। शम्स की सोहबत में रूमी ने बाहरी इल्म को रूहानी इश्क में तब्दील होते देखा। शम्स तबरेज ने रूमी के दिल में इश्क की आग लगाई और उन्हें खुदा की मोहब्बत में ऐसे डुबोया कि रूमी ने बाहरी दुनिया को भूलकर इश्क के समंदर में गोते लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर यार ज़रूर करें। मौलाना रूमी का सबसे बड़ा इख्तियार उनकी मशहूर तसनीफ़ मसनवी ए मौलवी है जिसे सूफ़ी अदब में एक अनमोल ख़जाना और मुअम्मा की हैसियत दी गई है। ये मसनवी एक किताब से कहीं बढ़कर एक रूहानी दस्तार है जो इश्क की गहराइयों, रूहानी सफ़र और अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत को बयान करने का एक नायाब ज़रिया है। रूमी ने इसमें इश्क और हकीकत के उन नाजुक पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें समझना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। मसनवी के हर शेर में एक जज्बा है, एक रूहानी पीर है जो इंसान को उसकी ज़ाहिरी और अंदरूनी हालत से रूबरू कराता है। मसनवी ए मौलवी रूमी के उस दिल की पुकार है जो शम्स तबरेज की जुदाई में तड़पता है और खुदा की मोहब्बत में पिघलता है। इस मसनवी में उन्होंने खुदा की तलाश में अपनी रूहानी यात्राओं का जिक्र किया। उनके अल्फाज उस इश्क का इजहार करते हैं जिसमें इंसान की हर चाहत, हर आरजू खुदा के इश्क में फना हो जाती है। रूमी ने इश्क ए हकीकी को अपने अशार में इस तरह बयान किया कि हर पढ़ने वाला महसूस करता है जैसे वो खुद उस इश्क की सच्चाइयों में गोता लगा रहा हो। उनके ये अशार सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि वो रूहानी रोशनी है जो दिलों को इरफान ए इलाही का रास्ता दिखाती है। मसनवी ए मौलवी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें रूमी ने इश्क ए हकीकी को मज़ामीन के ज़रिए बयान किया। इसमें कुछ भी ज़ाहिर नहीं बल्कि हर शेर में एक गहरा राज छुपा है। ये अशार एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसमें मोहब्बत और इरफान का अनोखा तसव्वुर पेश किया गया है। हर लफ्ज़ में ऐसा असर है कि जो पढ़ने वाले के दिल में बस जाता है और उसे इंसानियत और इश्क की हकीकत से रूबरू कराता है। मसनवी ए मौलवी महज शायरी नहीं बल्कि वो रास्ता है जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये उस इश्क की मिसाल है जिसमें इंसान खुद को भूल जाता है, अपने रब के इश्क में फना हो जाता है और खुदा की रज़ा के रंग में रंग जाता है। रूमी ने इसे लिखकर एक ऐसी रूहानी दस्तार तैयार की है जो आज भी इश्क और रूहानियत की तलवार की धार पर चलने वालों के लिए रहनुमाई का एक ज़रिया है। रूमी का ये कलाम पढ़कर ऐसा लगता है मानो हर लफ्ज़ खुदा से मिलने का एक पैगाम है। उनका इश्क, उनकी मोहब्बत और उनकी रूहानी आग इस मसनवी में यूं समाई है कि ये किसी अजीम नूर से कम नहीं। मसनवी ए मौलवी रूमी की वो अमानत है जो हर इंसान को अपनी असल हकीकत, अपने खुदा और इश्क ए इलाही की ओर ले जाती है और उसके दिल को उस रूहानी नूर से रोशन कर देती है जो खुदा की मोहब्बत से निकला है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम वो अल्फाज हैं जो इश्क की आग में तपकर इस कायनात में फैल गए, जो मोहब्बत और इंसानियत का सबसे हसीन पैगाम बन गए। उनकी शायरी में जो जज्बा और गहराई है वो सिर्फ बाहरी दुनिया की ज़रूरतें पूरी करने का सबक नहीं देती बल्कि वो हर इंसान के दिल में अल्लाह की तलाश की तड़प और इंसानियत से इश्क़ का पैगाम देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर यार ज़रूर करें। रूमी का इश्क और उनकी मोहब्बत हर मजहब, हर सरहद और हर दीवार को तुद्धकर इंसानियत को एक ही रूहानी जंजीर में बांधती है। रूमी का ये पैगाम सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए बताया कि हम सब एक ही खुदा के नूर से बने हैं और इसलिए हम सब एक हैं। उनका मानना था कि इस दुनियावी सरहदों से परे इंसान का असल मकसद खुदा की तलाश में अपने अंदर के नूर को पाना है, और उस नूर को पाने के लिए इंसान को मोहब्बत, इश्क और इंसानियत के रास्ते पर चलना होगा। रूमी का कहना था, खुदा तुम्हारे दिल में है, तुम्हें उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। उनके ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि इश्क की असली तालीम हमारे दिल में मौजूद है। हम जिस खुदा की तलाश में बाहर भटकते हैं वो तो हमारी रूह में पहले से ही बसा हुआ है। हमें सिर्फ अपनी रूह से वो पर्दा हटाना है जो दुनियावी मोहब्बत और इच्छाओं से ढक गया है। रूमी का ये पैगाम हमें सिखाता है कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसानियत, इश्क और मोहब्बत के ज़रिए ही हासिल हो सकता है। रूमी की शायरी में ये आलमी पैगाम ऐसे सन्नाटे में गूंजता है जैसे चांदनी रात में सन्नाटा बोलता हो। वो हर मजहब और हर अदयान के मानने वालों को एक ही संदेश देते हैं, मोहब्बत की तालीम से दुनिया की तमाम सरहदें मिट सकती हैं और एक ऐसा जहां बन सकता है जहां सिर्फ इश्क और इंसानियत का हुकूमत हो। रूमी के ये अल्फाज, उनकी ये तालीम हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिल में मोहब्बत का एक छोटा सा चिराग जलाकर रोशनी फैलाना चाहता है। उनकी मसनवी और शायरी के हर मिसरे में खुदा की मोहब्बत का वो नूर है जो अंधेरों में राह दिखाता है, जो बिछड़े दिलों को जोड़ता है और जो इंसानियत की राह पर चलने वाले हर शख्स को उसकी हकीकत से रूबरू कराता है। मौलाना रूमी का पैगाम एक ऐसी रूहानी पुकार है जो कहती है, आओ, चाहे जिस हालत में हो, चाहे किसी मजहब के मानने वाले हो, अपने दिलों को मोहब्बत से भर लो, क्योंकि खुदा की रज़ा उन्हीं को मिलती है जो मोहब्बत का रास्ता चुनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जब रूमी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं इश्क में हूँ, तो उनके ये अल्फाज हर उस शख्स के दिल में उतर जाते हैं जो मोहब्बत के इस अनोखे तजुर्बे से गुजर चुका है। रूमी की शायरी में एक नूर है जो इश्क की हकीकतों को बयान करता है, जो ये समझाता है कि इश्क का रास्ता खुदा का रास्ता है और मोहब्बत के बिना रूहानियत की मंजिल नहीं पाई जा सकती। आज भी रूमी का कलाम मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान के दिल की आवाज़ है। उनकी शायरी, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत हर उस शख्स को अपने अंदर की हकीकत से रूबरू कराता है जो खुदा की तलाश में है। रूमी का पैगाम हम सब के लिए एक नसीहत है कि हम मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते को अपनाएं और अपने अंदर के नूर से खुदा तक पहुँचें। मौलाना रूमी का ये रूहानी सफ़र आज भी हर उस दिल को रोशन करता है जो मोहब्बत की सच्चाइयों को समझना चाहता है, जो इश्क ए इलाही में खुदा की तलाश करता है। उनकी शायरी हर इंसान के लिए एक रूहानी दस्तार है जो उस सच्चे इश्क की गहराइयों में उतरने का रास्ता दिखाती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।